हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल कैसे आप सब उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग और आज का व्लॉग है मैं अपने बाल सुलझाऊंगी और फिर इनमें खूब सारा तेल डलवाएंगे वही मैं आपको दिखाऊंगी तो यहाँ पे मैंने बाल खोल लिए हैं और आज हेयर ऑयलिंग होएगी मसाज भी कराऊँगी तो यहाँ पर मैंने अपने बाल खोल लिए हैं और फिर इसमें हैवी तेल मतलब ज़्यादा सा तेल डलवाऊँगी खूब सारा और फिर कल को सर उल लूँगी तो इसलिए ज़्यादा सा तेल इसके अंदर डलवाऊँगी अभी बाल उलझे हुए हैं तो मैंने खोले हैं वही मैं आपको दिखा रही हूँ और फिर मैं पहले बालों में कंघी करूँगी और उसके बाद तेल डालेंगे क्योंकि पहले एक बारी बाल कंघी करना सही है क्योंकि पूरे उलझे हुए हैं सुबह से बाल कंघी नहीं किए हैं वो आपको दिखे गए होंगे तो आप पहले कर लेते हैं बालों में कंघी और फिर उसके बाद कंघी करने के बाद फिर मैं इसमें खूब सारा तेल डलवाऊंगी और वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो यहाँ पे मैंने बाल अच्छे से खोल लिए हैं आपको दिखा दिए हैं अब कंघी लेंगे और बालों में अच्छे से कंघी करते हैं बालों को सुलझाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे thank you यहाँ पर मैंने अपने बालों को अच्छे से कंघी कर लिया है और अच्छे से सुलझा लिया है और अच्छे से कर लेते हैं और फिर दिखाएंगे आपको और यही मैं करती हूँ अपने बालों पे कई लोगों के कमेंट आते हैं पूछते हैं मैम आप क्या लगाते हो तो वही मैं आपको बता रही हूँ हेयर ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है हफ्ते में दो बार कर लो या दो बार ना तो एक बार तो ज़रूर करना चाहिए तो यहाँ पे संडे टू संडे कर लो जैसे छुट्टी वाले दिन किसी के पास टाइम ना हो ज़्यादा तो छुट्टी के दिन कर लेना चाहिए और यहाँ पे मैंने अच्छे से कंघी कर लिए हैं अपने बाल और ज़्यादा मैं कुछ बालों पे अप्लाई नहीं करती हूँ कंडीशनर भी यूज नहीं करती हूँ कलर तो मेरे को लगाना पड़ता है मेहंदी लगाती हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कौन सी मेहंदी लगाती हूँ क्योंकि बीच बीच में, में मेरे बाल वाइट हो रहे हैं तो मैं वो भी आपको दिखाऊँगी जिस दिन मेहंदी लगाऊंगी तो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी और यहाँ पे देखो कितने अच्छे से बाल कट गए हैं कहीं भी कंघी बीच में नहीं अटक रही है अच्छे से पूरे बाल सुलझ गए हैं और बालों में कंघी अच्छे से कर रहे उलझे हुए बाल भी ज़्यादा टूटते हैं तो इसलिए दिन में अपना दो बार कंघी कर लें बाल भी सुलझे रहें जितने ज़्यादा उलझे रहेंगे बाल उतने ही ज़्यादा टूटते हैं तो यहाँ पे अच्छे से बालकंगी हो गए हैं सुलझ गए हैं और अब मैं इनमें तेल डलवा रही हूँ और तेल ले लिया है मैंने गोले का तो अभी तो गर्मी का टाइम हो रहा है तो वो खुद से ही पिंगला रहता है नारियल का तेल तो एक कटोरी में ले लिया है और अब उंगलियों की सहायता से पहले जड़ों में अच्छे से मसाज करें और फिर उसके बाद जो भी आपकी हेयर की लंबाई है उन पे पूरों पे लगा ले नीचे तक पहले सारी जड़ों में अप्लाई करे तो यहाँ पे पहले इस सर से ही स्टार्ट किया है धीरे धीरे करके जैसे थोड़े थोड़े बाल हटा के और बालों में लगा लें तो यहाँ पे मेरी बहन कर रही थी मेरी हेयर मसाज तो खूब सारा तेल डाला था मतलब पूरे बाल गिल्ले गिल्ले से कर दिए थे जो मैंने कटोरी में डाला था एक बारी वो ख़त्म हो गया था फिर दोबारा से डाला और फिर खूब अच्छे से मसाज कर दी क्योंकि खुद से करो फिर मैं आज मैं यहाँ मायके आई हुई थी तो बहन से करा ली थी तो इसलिए अच्छे से हेयर मसाज हो गई थी मेरी हेयर ऑयलिंग भी हो गई थी और साथ साथ मसाज भी हो गई थी और कोई दूसरा बंदा करता है तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है आराम भी मिलता है कोई दूसरा करता है तो उससे तो यहाँ पे देखो जड़ों से स्टार्ट कर दिया है और जब तक जड़ मजबूत नहीं होंगी तो लंबे बाल होने का भी फिर कोई फ़ायदा नहीं है जितने ज़्यादा टूटेंगे तो बेकार है और यहाँ पे देखो अच्छे से मसाज हो मसाजरी दिखने लगे होंगे आपको पूरे गिल्ले गले से बाल हो चुके हैं खूब सारा तेल इनमें डाल दिया गया है चिपके चिपके से दिखने लगे हैं और फिर मैं अच्छे से पहले खूब सारा तेल डलवाऊंगी तो एक साइड पूरे में डल गया है अब इधर का नंबर आ गया है तो आधे आधे बाल करके इस तरीके से डाल रही है पूरे में जहाँ भी कहीं भी छुट ना जाए और पहले सारे मैं अच्छे से डाल दिया और फिर उसके बाद थोड़ी देर मसाज की फिर वो मैं आपके साथ शेयर कर ही रही हूँ आगे वीडियो में तो बहुत ही मज़ा आ रहा था हेयर ऑयलिंग कराते हुए खुद से करो तो हाथ चलते रहते हैं हम आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं तो मेरे को तो नींद भी आने लगी थी तो पर बीच बीच में बात कर रहे थे तो इसलिए सो नहीं पाए थे तो यहाँ पर अच्छे से हो गया है और अब नीचे तक भी लगा लेंगे बालों में जो नीचे की लफनियाँ बची हैं और नीचे को वहाँ भी सारे में लगवा लूँगी और फिर एक बारी कंघी करेंगे अच्छे से और फिर देखाएंगे आपको हेयर ऑयलिंग होने के बाद तो यहाँ पे देखो अच्छे से डाल दिया है और आज मैं बाल वॉश नहीं करूँगी तो आज मैं अभी दिन का टाइम हो रखा है शाम तक रात तक मतलब रखूँगी कल सुबह बाल धुलूँगी तो तब तक तेल अच्छे से बालों में चला जाएगा जड़ों में अच्छे से तो यहाँ पे खूब सारा तेल डल गया है देखो बालों में गिले गिले से दिखने लगे हैं तेल से ही गिले हो गए हैं और जो बचा था वो सारा फिर नीचे तक भी लगा दिया था और दो बार कटोरी में ले ले कर पूरा ख़त्म कर दिया था तो यहाँ पे अभी जो बचा है उसे नीचे के में लगा के और पहुँच के फिर मैं अपने बालों में दोबारा से कंघी कराऊंगी और फिर उसके बाद अपने बाल दिखाते हैं हम आपको तो यहाँ पे मैं ज़्यादा बाल में खोल के नहीं रखती हूँ मुझे खुले बाल ज़्यादा पसंद नहीं है कभी कभी खोलती हूँ ज़्यादा टाइम मुझे खुले बाल पसंद नहीं आते हैं तो मैं अपना ऊपर फोल्ड करके रखती हूँ और गर्मी में तो बिल्कुल भी बाल पसंद नहीं आते कई लोग हमेशा खुले रखते हैं लेकिन मेरे से खुले नहीं रखे जाते क्योंकि खाना खुना बनाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है और तेल डल गया था उसके बाद यहाँ पे मैं करा रही थी अपने बहुत सर की मसाज तो मसाज करने में तो बड़ा ही आनंद आ रहा था और बहुत ही रिलैक्स फील होता है जब कोई मसाज करता है तो यहाँ पे मैं बालों में अच्छे से मसाज करा रही थी और देखो खूब सारा तेल तो डली गया वो तो आपको दिख ही रहा है तो आप जो भी तेल यूज करते हो आप कोई भी तेल डाल सकते हो तो यहाँ पे मैंने तो डाला था नारियल का ही रखा था घर मैंने वही डाल लिया था मैं दूसरा भी डाल लेती हूँ जरूरी नहीं है कि हमेशा नारियल का ही यूज़ करें लेकिन यहाँ पे घर वही रखा था तो मैंने वही वाला डाल लिया था और खूब अच्छे से मसाज करा ली है खूब आराम मिला है और मज़ा भी आ गया है बैठे बैठे मैंने वीडियो तो फिर भी कट कर दिया आधे से पौने घंटे तक मैंने मसाज कराई थी तो बहुत अच्छा लगा था और खूब मज़ा आया था तो इतना बड़ा वीडियो तो फिर कोई ज़्यादा ही लंबा हो जाता फिर भी मैंने काट काट के किया तो काफ़ी सारा लंबा हो गया तेरह मिनट का तो फिर भी हो गया और नहीं तो आधे से पौने घंटे का हो जाता तो इसलिए मैंने वीडियो को बीच बीच में कट कर दिया था और यहाँ पर देखो खूब अच्छे से मसाज करा ली है और बातें भी कर रहे थे मम्मी से और बहन से और हेयर मसाज भी हो रही थी कोई बात करने वाला ना होता तो मैं तो सो ही जाती नींद आ रही थी बड़ा आनंद मिल रहा था तो इसलिए हफ्ते में एक बार तो तेल बालों में ज़रूर डालना चाहिए और हेयर मसाज भी लेनी चाहिए घर में कोई हो तो आपस में एक दूसरे कर ले नहीं फिर खुद से भी कर सकते हैं और यहाँ पे देखो कितना अच्छे से हो गई है हेयर मसाज तो फिर मेरी बहन कहेगी थोड़ी देर में कि अरे मेरा तो हाथ थक गया है अब इन बालों को बांध ले बहुत देर हो गई है तो इसलिए अब बस बालों में कंघी कराऊंगी मैं और फिर अपने बालों की चोटी गुंदवाऊंगी तो वो आपके साथ शेयर करूंगी मैं तो यहाँ पे देखो खूब मैं कह रही हूँ और पाँच मिनट कर दे और पाँच मिनट कर दे तो खूब मज़ा आया और ख़ूब अच्छे से मसाज हो गई है और जड़ों तक तो अच्छे से तेल चला गया है और कल तक बालों में तेल रहेगा तो जड़ों तक खूब अच्छे से अंदर तक चला जाएगा और कल सुबह करेंगे हम शैम्पू बालों में तो यहाँ पे देखो हो गई है हेयर मसाज जब बस बाल कंघी कर रहेंगे और फिर चोटी गूँदेंगे तो सुलझे हुए तो थे ही ज़्यादा उलझे नहीं थे वो जैसे तेल डालने से थोड़े से हुए थे तो उसमें अच्छे से कंघी मार ली और अब देखो पूरे गिल्ले गिल्ले दिख रहे हैं ना बाल क्योंकि तेल ही भर भर के लगा दिया है खूब सारा तो अब एक बारी कंघी करके और फिर हम बालों को गूँद लेंगे चोटी क्योंकि इस तरह तो फिर बाल मेरे को नहीं सुएँगे और गर्मी का मौसम भी है और कल तक तो बिल्कुल भी ऐसे बाल नहीं रखे जाएंगे थोड़ी बहुत देर के लिए रखना हो तो भी चलो चलता है और अभी मैं बस बालों में कंघी करा के और दिखाऊंगी आपको चोटी बनाएंगे और चोटी बना के फिर कल ही सुबह चोटी खुलेगी जब बालों को वॉश करेंगे तो यहाँ पे अच्छे से बैनेस सुलझा दिए हैं जो दोबारा उलझे थे तेल डालने में भी थोड़े से तो उलझ ही जाते हैं जैसे एयर मसाज कराते हैं तो उसमें उलझ जाते हैं इसीलिए मैंने पहले अच्छे से कंघी कर ली थी कि फिर ज़्यादा ना उलझे नहीं तो पहले से भी उलझे और फिर तेल डलवाओ तो बहुत ज़्यादा बाल उलझ जाते हैं और यहाँ पर हो गई है कंघी और अब अच्छे से सुलझ गए हैं और अब देखेंगे चोटी कराएंगे जो थोड़े बहुत एक दो बाल टूटे थे तो वो मेरी बहन ने मेरे हाथ में दे दिए थे ज़्यादा बाल तो टूटते नहीं मेरे एक दो टूटते हैं वो दे दिए थे और अब कंघी करेंगे ना चोटी करेंगे कंघी तो हो गई है तो यहाँ पे मैं अपने बालों की चोटी करा रही हूँ और आप भी देख लें चोटी गूंद के रखने से भी अच्छे होते हैं बाल हर टाइम खुले भी नहीं अच्छे लगते कहीं जाना हो या कुछ तो खोलो घर में तो हर टाइम हाउस वाइफ तो वैसे भी नहीं खोले जाते खाना वाना बनाएं और टूट के फिर बाल गिरते ही हैं तो फिर बेकार है तो इसलिए मैंने तो अपने बालों को बांध लिया है और अच्छी सी चोटी गुंद वाली है या मैं फोल्ड करके ऊपर क्लचर लगा लेती हूँ या फिर चोटी गुंदवा लेती हूँ तो यहाँ पे मैंने अच्छे से बालों की चोटी गूंदवा ली है और ये देखो बन गई है बालों की चोटी अच्छे से हो गई है हेयर ऑयलिंग और अच्छे से मसाज भी हो गई है उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा तो आप भी अपने बालों में हैं ऐसे ही मसाज करें हेयर ऑयलिंग करें और उससे बाल मजबूत भी होते हैं घने भी होते हैं और साथ साथ लंबे भी होते हैं तो खूब सारे फ़ायदे होते हैं हफ्ते में दो बार ना कर पाओ तो ये हफ्ते में एक बार तो ज़रूर करना चाहिए मेरे को भी ज़्यादा टाइम नहीं मिलता तो दो बार नहीं कर पाती मैं भी कई बार तो ये एक ही बार करती हूँ तो इसलिए यहाँ पे हो गया है और अब मैंने बालों की करवा ली चोटी तो देखो गूंध गए हैं बाल और पूरे गिल्ले गिल्ले से हो गए हैं खूब सारा तेल डल गया है और गुन गई है चोटी और इसी के साथ करेंगे वीडियो का एंड मिलेंगे अच्छे से ब्लॉग के साथ